डिवीजन की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें जिससे कि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट लेकर आता रहूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जहां पर आपको डिटेल और जानकारी दोनों देखने को मिलेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सेल एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 29/8/2022 को आया है। राउरकेला स्टील प्लांट में आपकी वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर आपकी सेफ्टी E1 कैटेगरी में 8 वैकेंसी है, SC1, OBC2, UR कैटेगरी 5। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 39 वैकेंसी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी की भी वैकेंसी है, UR में 8/18, 3 आपकी इकोनॉमिक सेक्टर, 4 OBC ST में आपकी 8 और 6 SC में। माइनिंग फोरमैन की 24 वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे देखते हैं UR कैटेगरी 10, 3 इकोनॉमिक सेक्टर, OBC में 3, 4 और 5 आपके SC ST में। सर्वायर की यहाँ पे 5 वैकेंसी, 3 आपकी UR कैटेगरी में, 1 आपकी OBC, 1 ST में। माइनिंग मेट की 55 वैकेंसी है, 23 UR कैटेगरी, 5 इकोनॉमिक सेक्टर, 6 आपके OBC ST में, 12 है और 9 है SCA। और फायर ऑपरेटर की 25, 12 UR कैटेगरी, 2 इकोनॉमिक सेक्टर, 3 आपकी OBC, 5 और 3 आपकी SC ST में। फायरमैन की कम सर्विसर की इंजन ड्राइवर की 17 वैकेंसी है टोटल UR कैटेगरी में, आपकी टोटल वैकेंसी 36 है जिसमें आप देख सकते हैं 3 इकोनॉमिक सेक्टर, 4 OBC, SC और ST में, 5 और 12 है, 7 है। अटेंडेंट कम ऑपरेटर की यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की और ट्रेनी HMP की 30 वैकेंसी, 13 UR कैटेगरी, 3 इकोनॉमिक सेक्टर, 4 OBC, 6 और 4 आपकी SC ST में। आपके यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट डिसिप्लिन वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, किन किन के लिए है यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दे रखी है, फिजिकल डिसेबिलिटी में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है तो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें असिस्टेंट मैनेजर की सेफ्टी में E1 18 से 30 आयु वर्ग के, 30/9/2022 के अनुसार क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी 30/9/2022 के अनुसार, BTech फुल टाइम इन एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट डिप्लॉय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग पार्शियली आपका एक्सपीरियंस वर्किंग फैक्ट्री फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर, ठीक है, आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री और प्रोसेस आपका PG डिग्री या डिप्लोमा इंडस्ट्री सेफ्टी रिकॉग्नाइज आपका स्टेट गवर्नमेंट हैज एडुकेट नॉलेज ऑफ आपका उड़िया लैंग्वेज। आपको देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पे देखते हैं इंजीनियरिंग फॉर अनरिजर्व के लिए OBC और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए 65, SC ST कैंडिडेट के लिए 55% दिए है। यहाँ पे देखते हैं ऑपरेशन कम टेक्नीशियन बॉयलर की 18 से 30, ठीक, हाई स्कूल पास प्लस 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी डिसिप्लिन और फर्स्ट क्लास आपका बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफाइड। यहाँ पे आपका जो है माइनिंग फॉर्मेट के 18 से 28 दे रखी है, हाई स्कूल पास, 3 साल का आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम गवर्नर इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से, ठीक है, विद वैलिड आपका माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी आपका DGMS अंडर MMR, 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइन आपका फॉरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद। यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप देखते हैं 50% UR कैटेगरी, OBC में हो सकता है और 40% SC ST फिजिकल डिसेबिलिटी। सर्वायर की यहाँ पे देखते हैं S3 18 से 28, हाई दर की, हाई स्कूल पास, 3 साल का डिप्लोमा, ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके ऑपरेशन कम यहाँ पे टेक्नीशियन की हाई स्कूल पास, 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियर रिलेवेंट डिसिप्लिन से मैकेनिस्ट मेटलर्जिकल सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, इसमें सर्वेयर में 1 साल का भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, आफ्टर आपके ऑब्टेनिंग डिग्री। फायर ऑपरेटर की ट्रेनिंग की ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम आप यहाँ पे 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे 18 से 28 आयु के सब आपका ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर या ग्रेजुएट शिप एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट फायर इंजीनियरिंग, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल का, फायरमैन कम आपका इंजीनियर ड्राइवर इंजन ड्राइवर 28 से 28, हाई स्कूल पास, आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस रिलेवेंट आपका हैवी मोटर 1 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर हाई स्कूल, ड्राइविंग का आपका होना चाहिए हैवी मोटर का। माइनिंग मेट 18 से 28, हाई स्कूल पास, आपका मेट सर्टिफिकेट, ठीक है, DGMA अंडर MMR,
वन ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अटेंडेंट और विद आईटीआई होना चाहिए, रिलेवेंट आपका फिटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिशियन, अटेंडिंग कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एचएमवी 18 से 28, हाई स्कूल पास विद आपका हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, वन ईयर एक्सपीरियंस प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग हैवी वर्क मूविंग मशीनरी। ठीक है, एज रिलेक्शन की यहाँ पे जैसे 5 साल है, ओबीसी 3 साल है, फिजिकल डिसेबल को 10 साल, जो कि जनरल कैटेगरी 15 साल, एस सी एस टी और 13 साल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ 50 से आपकी सैलरी है और यहाँ पे 1,60,000 आफ्टर कंप्लीट वन ईयर सर्विस ट्रेनिंग आप दे सेल बी कंसिडर इवन ग्रेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो कि फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की 26 से लेकर 38,000, माइनिंग ऑफिसर की यहाँ पे सेम यही सैलरी रहेगी और माइनिंग आपकी मेट की 25 से यहाँ पे आपकी रहेगी 35,000 S1 कैटेगरी में। यहाँ पे पोस्ट देखते हैं और जो कि मंथली आपका रहेगा, जो कि फायर ऑपरेटर की 16,000, सेकेंड ईयर 18,000, फायर कम इंजन ड्राइवर की 12,000 और सेकेंड ईयर 15,000। ठीक है, इस तरीके से रहे कैंडिडेट। यहाँ पे अब आपका पोस्ट रिक्वायर्ड अंडरगो जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड 2 ईयर विच विल बी एक्सटेंड फर्दर 2 ईयर। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखते हैं आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर मैं बता ही चुका हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड टू अपीयर कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, हिंदी अंग्रेजी में कंप्यूटर बेस्ड रहेगा आपका, 100 नंबर का रहेगा, 2 आपके सेगमेंट रहेंगे, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन एचएमवी टेक्निकल नॉलेज आपके 20, आपका जनरल एप्टीट्यूड 80। ठीक, और फॉर अदर और अदर पोस्ट 50-50 रखा गया है, इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। ड्यूरेशन कंप्यूटर बेस्ड का यहाँ पे देख सकते 2 आवर रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन कंप्यूटर बेस्ड अंड आपका यूआर इकोनॉमिक सेक्टर में 50% स्कोर। ठीक है, फॉर यहाँ पे देख सकते एस सी एस टी ओबीसी यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्वालिफाई 40% यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाई कंप्यूटर बेस्ड आपका रहेगा, उसके 1/3 यानी 1/3 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि आपको उड़िया लैंग्वेज को बोलना लिखना और आना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और बाकी आ रहा है देखिए क्वालिफाई के बारे में, फायर ऑपरेटर के बारे में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते कंपलसरी आपका कैरिंग 65 किलोग्राम का लोड आपको 100 मीटर चलना है, स्विमिंग 100 मीटर इन 10 मिनट, ड्राइविंग टेस्ट, फायर ट्रेंडर ऑप्शनल, आप क्लिम 3 मीटर विद हेल्प ऑफ रोप, हाई जंप 135, 3 चांसेस, लॉन्ग जंप 3 मीटर 3 चांसेस। ठीक है, ये दे रखे हैं। कंपलसरी आपका टेस्ट अंडर पैट आपका जो है नॉकआउट और बेसिक कंडीशन रहेंगी। ठीक है, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पैट कोई भी क्वालिफाई नेचर रहेगा, फाइनल सिलेक्शन वेटेज आपका होगा और कंप्यूटर बेस्ड के विल बी 100%। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रखा है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, हाइट 155, फीमेल 143 और 70 मीटर, वेट 45 किलो, फीमेल के 35, चेस्ट आपका 72 से 75 एक्सपेंशन, फीमेल के लिए यहाँ पे दे रखा है 75-79। विजुअल आपका दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे दे 6x9 विदाउट ग्लासेस और या 6x6 और 6x12 विद अदर आई और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, नियर विजन और कलर विजन ये सब के बारे में दे रखा है। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे हाइट 155, 43 और वेट सेम 45-35, 75 और 79 और फीमेल के 70 और 73। ठीक, तो यहाँ पे फॉर द फायर ऑपरेटर यहाँ पे जैसे फायरमैन के लिए यहाँ पे हाइट 167, वेट 50 किलोग्राम, चेस्ट 81-86। यहाँ पे आप देखते हैं बाकी से आपका टेस्ट सेंटर यहाँ पे ग्राउंड किला आपका विशाखापट्टनम कोलकाता ये सब यहाँ पे रखा गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस फी यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की 700 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं एस सी एस टी और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए 200 रुपये, ऑपरेटर ट्रेनिंग की 500 और 150 रुपये यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, मीनिंग माइनिंग मेट के लिए यहाँ पर 300 और 100 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है, जो कि एस सी एस टी कैंडिडेट है। हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा जिससे कि आप जाके खुद पढ़ सके। ठीक है, यदि आपकी डिटेल किस तरीके से आप जो है अप्लाई कर पाएंगे, 6/9 से लेकर 30/9 तक आपको आवेदन करना है। यहाँ पे फोन नंबर ईमेल आईडी दे रखा है। सेल की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी, आई होप जानकारी और वीडियो दोनों आप लोगों के लिए अच्छे रहे हो। वीडियो ऐसी ही मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।